महेंद्रगढ़ के गांव कुरावहटा में बने बिजली प्लांट में आने वाले ओवरलोड वाहनों से परेशान ग्रामीणों ने गांव कुरावहटा में सुबह मंडोला जयरपुर जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे। प्रशासन के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने जाम को खोला। महेंद्रगढ़ के गांव कुरावहटा में बने बिजली प्लांट में आने वाले ओवरलोड वाहनों से परेशान ग्रामीणों ने सुबह मंडोला जयरपुर जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने बिजली प्लांट में प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड वाहन आवागमन करते हैं। ओवरलोड वाहनों के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। गांव की गलियां छोटी है, ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। मंगलवार की रात को शॉर्ट सर्किट के कारण पराली से भरे दो ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि गांव के दोनों साइड में हम जो ऊपर से एंगल आती है गटर टाइप में, जो अंडर पास टाइप बोलते हैं, वो लगवाएंगे। यह आश्वासन दिया है और लोड व्हीकल नहीं आएंगे। तो आपकी जो मांगे थी वो पूरी हो गई? हाँ, आश्वासन मिला है तो देखते हैं पूरी होती है नहीं। अगर फिर भी अगर ओवरलोड निकलेंगे तो? फिर भी अगर ओवरलोड निकलेंगे तो गांव तो यही है, वापस यहीं पे बैठेगा गांव। जो पोल्यूशन की मांग थी तो क्या है? पोल्यूशन की मांग के लिए बोल रहे हैं कि हमने बोला है, वो चेक करने आएंगे डिपार्टमेंट से। सर कितने बजे आपने जाम लगाया था? कितने देर? ये सुबह 10 बजे लगाया था। अभी जाम खोल दिया? हाँ, अब जाम खोल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या का समाधान हुआ ही था कि एक और अन्य ट्रैक्टर ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मंडोला से जयरपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना के बाद सिटी थाना एसएचओ व सदर थाना एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर डटे रहे। सदर थाना एसएचओ ने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के बारे में अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से बीडीपीओ निशा तवर मौके पर पहुंची। देखिए, हम जो उनकी फैक्ट्री है वहां पर गए थे, उनसे बातचीत हुई है। तो जो गांव वालों की समस्या मेन थी वो ये थी कि ओवरलोडिंग जो वाहन आते हैं वो आते हैं और गाँव में दिक्कत होती है इस काम के लिए। तो आरटीओ ऑफिस से भी हमारे पास आए हुए हैं जो अधिकारीगण हैं, और चालान यहाँ पर कट रहा है, और आगे से यही आश्वासन इनको है कि कोई भी ओवरलोडिंग वाहन यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे ताकि गाँव वालों को समस्या ना हो पाए उसके बारे में। और पॉल्यूशन बोर्ड वालों से भी बात हो गई है, अगर कोई भी दिक्कत इस तरह की है, कोई रूल का वायलेशन अगर होता है तो वो भी उसके लिए कार्रवाई करेंगे। आज सुबह इतला मिली थी कि कुरावटा गाँव में जाम लगा दिया। जाम का पर्पज ये था कि हैवी जो ये पराली के भर के आते भाई, ये गाँव को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस जाम के दौरान अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ मैडम जी मौका पाई और उनकी समस्या का समाधान किया। समाधान के बाद में जाम को हटा दिया। इस दौरान बीडीपीओ निशा तवर ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और प्रशासन के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने जाम को खोला। सत्य खबर के लिए महेंद्रगढ़ से राधेश्याम की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।